क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 501 से लेकर 505 तक जो भी रिजल्ट थे आप लोगों के असाइनमेंट के, और जो SBA का रिजल्ट था जो कि मैंने एक वीडियो इस पर बनाया हुआ था पहले ही, लेकिन उसमें जो लिंक मैंने जारी किया था वह लिंक 24 घंटे के अंदर डिलीट कर दी गई थी NIOS के द्वारा, जो कि फिर लोगों को परेशानी हो गई अपना अपना रिजल्ट देखने में। अगर आप लोग अपना रिजल्ट फिर से देखना चाहते हैं तो यह लिंक कल से जारी कर दी गई है, आप उसे सिंपली से चेक कर पाएंगे। आप या तो मेरे पुराने वीडियो पे जाके उसके नीचे जो मेथड है वो देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वह भी चालू हो चुका है। या अभी जो आप यह वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, बस उस लिंक पे सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। और जब आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से स्टेट नेम खुल जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं सिंपली से उस स्टेट के डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। आपके सामने बिना किसी एरर के एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपके डिस्ट्रिक्ट के नेम होंगे, और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग्स करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके स्टडी सेंटर का कोड यहां पे शो हो रहा होगा, तो आपके स्टडी सेंटर का जो भी कोड होगा उस कोड के बगल में यहां पे आप देख पा रहे होंगे PCP अटेंडेंस, वर्कशॉप अटेंडेंस और TMA डिटेल्स। ठीक है, तो आपको यहां पे TMA डिटेल्स देखना है, असाइनमेंट की डिटेल्स, तो अपने बस सिंपली से TMA डिटेल्स पर यहां पे आपको क्लिक कर देना है। और ये देखिए आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कि आपको आपकी सारी डाटा नज़र आ रही होगी, आपका स्टडी सेंटर कोड, रेफरेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर, नाम, फादर नाम, TMA मार्क्स 501 से लेके 505 तक और SBA 511 तक का रिजल्ट यहाँ पे शो रहा है। आपको जो इसको स्क्रीनशॉट करना है, अगर स्मार्टफोन में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या अगर कंप्यूटर में देख रहे हैं तो इसे आप PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई है वीडियो में तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जो कि वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा।